नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी एडमिशन में रेस यानी नस्ल और जाति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों और अल्पसंख्यकों को कॉलेज एडमिशन में रिजर्वेशन देने का नियम है। इसे अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक पक्षपात कहा जाता है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट ग्रुप स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस की पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। इस ग्रुप ने हायर एजुकेशन के सबसे पुराने प्राइवेट और सरकारी संस्थानों और खास तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के खिलाफ 2 याचिकाएं लगाई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि ये पॉलिसी वाइट और एशियन अमेरिकन लोगों के साथ भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति बाइडन ने आपत्ति जताई। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक बाइडन ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत हूँ। अमेरिका ने दशकों से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। ये फैसला उस मिसाल को ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले को आखिरी शब्द नहीं माना जा सकता है। अमेरिका में अब भी भेदभाव बरकरार है। ये फैसला इस कड़ी सच्चाई को नहीं बदल सकता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।